सुपन खही समुझाई करी बल बोले सी बहु भांति भवन गयो दस कंधरा नींद परे नहीं रात गोविंद जय जय गोपाल जय जय खरदूषण और तीसरा मन तो नहीं सोची और बिना विचारे चल दिए और जाके समाप्त हो गए। लेकिन राजा रावण राजमहल में बहुत गहराई से सोची से बात कि मोर समान योद्धा खरदूषण तीसरा मोर समान बलशाली मोर जैसे पराक्रमी ऐसे पराक्रमी भाई जेकर साथ में 14,000 सैनिक
और 14,000 सैनिक ल समाप्त कर देना वो भी एक क्षण में। ये कोई साधारण मनुष्य के काम ना हो। बहुत हृदय के गहराई से राजा रावण ये बात ला सोचिस, बहुत गणित लगाइस, बहुत गुणा भाग करिस, एक घटना लोहर विचार करिस, भंजिस मन में। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारै बिनु भगवंता। रावण के ध्यान में एक ही बात है कि भगवान की सिवाय खरदूषण तीसरा के संहार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। फिर दूसरे यह गणित लगे इस रावण तो जब नारायण की सिवाय खरदूषण तीसरा के कोई संहार नहीं कर सके तो का नारायण के अवतार हो गए। ये घटना से ही लगते कि नारायण के अवतार हो गए, जिन धरती के बोझल हल्का करे खातिर वर, देवता मन के संताप ल दूर करे खातिर वर, और ऋषि मुनि महात्मा मन के संतप्त जीवन ल सुखी करे खातिर वर, वो नारायण के अवतार हो गए। ऐसे जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, फिर तो निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। राजा रावण विचार करिस, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीनय अवतारा। अगर नारायण का अवतार हो चुका है, रावण अंतिम निर्णय में पहुंची सी, अगर नारायण का अवतार हो चुका है तो मैं जबरन उससे दुश्मनी करूंगा। ये रावण के महान मंत्र मूल मंत्र। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीनय अवतारा। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, फिर तो निश्चय सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। और यदि निश्चय वे अवतारी है तो वैर भाव ही रखूंगा और दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। ये राजा रावण अंतिम निर्णय में पहुंची कि मैं उनकर पास जाकर के जबरन दुश्मनी करी हूं। तासन जाई बैर हठ करी हूं, प्रभु सर मर भव सागर तरी हूं। ये रावण के बड़ा सुंदर विचार कि मैं भगवान के हाथ से ही मर के ये दूसर जन्म के जिन बंधना बंधाए हैं वहां छूट जाए। रावण कौन है तो भगवान के प्यारा भक्त है, भगवान विष्णु के परम प्रिय सेवक है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। बैकुंठ के फाटक में रही के पहरेदारी के काम करने वाला, भगवान विष्णु की सेवा बजाने वाला, ये भगवान की कोनो जानी दुश्मन न है, वो तो भगवान की सेवक है। सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार, ये चारों भाई के द्वारा श्राप मिल गए। जय और विजय। जब बैकुंठ के अंदर जाए खातिर वर, भगवान विष्णु के दर्शन करे खातिर वर, ये चारों भाई रास्ता नहीं मिली, जय विजय मन भीतर प्रवेश नहीं करन दिन, तब ये चारों भाई श्राप दे दी। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। चारों भाई सनक सनंदन सनकादिक सनक कुमार, चारों भाई श्राप दे दी। अरे भगवान विष्णु के सेवक होने के बाद भी भगवान के भक्तों का इस तरह से अपमान करते हो, भगवान के नजदीक रहने के बाद भी तुम्हारी तामसी प्रवृत्ति अभी तक की गई नहीं, तुम लोग बैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। ये रे द्वार पाल तुम महा अभिमानी भय, जाओ हो राक्षस मलेच्छ कु बिचारी है, विष्णु दास होए विष्णु भक्त अपमान कियो, हरि द्रोही हो तुम जगत मधारी है। आज जिन भगवान विष्णु की तुम सेवा कर रहे हो, वही भगवान विष्णु के एक दिन तुम द्रोही हो जाओगे।
अपनी भुजाओं के बल से सारी दुनिया को जीत लोगे, सात दीप नौखंड पृथ्वी पर तुम्हारा वर्चस्व कायम हो जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, तब तुम्हें मारने के लिए भगवान वैकुंठ बिहारी अवतरित होंगे और वही भगवान तुम्हें मारेंगे। और एक बार नहीं, तुम्हें तीन बार जन्म लेना पड़ेगा और तीन बार मरना पड़ेगा। ये हमारा श्राप है। और तीन बार भगवान के हाथों से ही मरोगे, तब कहीं जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। ये चारों भाई के श्राप मिले थे। उही जय और विजय मन सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बन के जन्म ली, जेल नरसिंहनाथ और पराभ भगवान परास्त करी। अब त्रेता युग में यही मर रावण और कुंभकर्ण बने, और यही मुकर अत्याचार काफी।